Dear voters of 54 Ramban and 55 Binhal constituency, good afternoon, namaskar, aadab. जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो पोलिंग है, जो हमारा वोट देने की तारीख है, वो है 18 सितंबर 2024, यानी 18 तारीख को इस महीने की जो है हमारे जो वोट वो पड़ने वाले हैं. तो अंडर स्वीप सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ये हमारी प्राइम ड्यूटी है कि हम वोटर्स को एजुकेट करें कि आपकी जो सुविधा के लिए जितने भी पोलिंग स्टेशन बने हैं वहाँ क्या क्या सुख सुविधा है और किस तरह से जो है अपना जो वोट है उसको कास्ट करें. जो लोग काफ़ी सालों से वोट देते आ रहे हैं उनको तो सारा इलम है, बट जो न्यू वोटर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम पोलिंग स्टेशन के अंदर घुसेंगे, पोलिंग स्टेशन पे आएंगे, तो उनके दिल में थोड़ी बहुत शंका होती है कि भाई वहाँ क्या होगा, कैसे हम अपना वोट देंगे. तो न्यू कमर्स, न्यू वोटर्स के लिए जो है, खासकर ये मेरी वीडियो है कि आप लोगों ने बड़े आराम से आना है, कोई घबराना नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी है. वहाँ जितनी भी सिक्योरिटी है वो आप लोगों की सहायता के लिए, आप लोगों की मदद करने के लिए, और जितना भी अमला वहाँ हम लोगों की शक्ल में दिखेगा आपको, वो सारा आप लोगों की मदद के लिए है. जैसा कि जैसे ही आप पोलिंग स्टेशन पे आते हैं, वहाँ दो लाइनें लगी होंगी, मेल की और फीमेल की, अलग अलग लाइनें होंगी. तो आप जिस भी जेंडर से हैं, आप अपनी लाइन में खड़े हो जाएंगे और आपने क्या करना है, अपने साथ घर से जो है अपना ईपिक कार्ड लाना है, जिसको हम इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं, जो हमारा इलेक्शन कार्ड होता है. अगर नहीं भी है किसी कारणवश तो आप अपना आधार कार्ड ला सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ला सकते हैं, कुछ और भी ला सकते हैं, वैसी कोई बात नहीं है, जिससे आपकी आइडेंटिटी जो है वो क्लियर हो जाए. और आपने अपने साथ लाना है अपनी जो आपकी जो वोटर लिस्ट है, उसमें जो आपका सीरियल नंबर होगा वो आपको याद होना चाहिए, या एक पर्ची पे लिख के लाना. जैसे ही आप हमारे पोलिंग स्टेशन के अंदर आएंगे, वहां आपको चार लोग दिखेंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर P1, P2 एंड P3. और सबसे पहले आपने बाजू पे बैच लगा हुआ होगा, जिसके बैच पे लिखा होगा P1. आते ही दरवाजे के साथ सामने बंदा बैठा होगा, आपने उसको अपना जो है सीरियल नंबर ऑफ वोटर लिस्ट बताना है और अपना जो आइडेंटिटी प्रूफ है, आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ है, वो दिखाना है. वो आपकी जो वोटर लिस्ट होगी, वो उनके पास वोटर लिस्ट होगी, वहाँ वो आपका सीरियल नंबर जो है मैच करेंगे, आपका फोटो और जो आइडेंटिटी जो है उसको वेरीफाई करेंगे. जैसे ही आपको फोटो आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाती है, आपकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, तो वहाँ से सीधा उनके साथ ही एक दूसरा बंदा बैठा होगा, जिसको P2 कहते हैं, यानी पोलिंग ऑफिसर 2, उसके पास आपने चले जाना है. और वहां आप जैसे ही जाएंगे तो आपको क्या है, वो जो आपकी जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो वो आपका जो है वोटर्स रजिस्टर्स, जिसको फॉर्म 17A बोलते हैं, उस पर उसको वो रजिस्टर लिखेंगे, और साथ ही सीरियल नंबर ऑफ योर वोटर लिस्ट वो उसके ऊपर दर्ज होगा, और फिर आपसे जो है सिग्नेचर लिए जाएंगे. आपको बोला जाएगा कि आप अपने इस रजिस्टर पे दस्तखत कीजिए, आपने उस रजिस्टर पे दस्तखत करने हैं. जैसे ही आप वो करते हैं, फिर उसके बाद आपकी जो उंगली है उसके ऊपर जो है स्याही लगाई जाएगी, और एक आपको स्लिप दी जाएगी, जिसके ऊपर आपका वही लिखा होगा, डिटेल लिखी होगी, सीरियल नंबर ऑफ योर वोटर लिस्ट एंड जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है. और तो वो जो है स्लिप, फिर आपने क्या करना है, P3 उसके साथ ही बैठे होंगे, जिनके पास होगा CU, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, वहां से वो बैलेट इशू करते हैं. तो वो पर्ची आपने उनको देनी है, और वो पर्ची और अलॉन्ग विद जो आपकी उंगली पे स्याही का निशान है, इसको वो देखेंगे, और फिर आपको वहां से वोटिंग कंपार्टमेंट में भेजा जाएगा, और वो वहां से बैलेट इशू कर देंगे. जैसे ही वहां से वो बैलेट इशू करेंगे तो टी की आवाज आएगी, और आप जाएंगे जब
वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएंगे तो वहां जो है आपको दो मशीनें दिखेंगी। एक मशीन जो है उस पे होगा क्या, उस पे आपका होगा बैलेट यूनिट, यानी जिसको हम बैलेट यूनिट बोलते हैं, उस पे आपके सारे कैंडिडेट्स जो हैं उनके चुनाव निशान होंगे, उनके नाम होंगे, प्लस उनका क्या होगा, फोटो होगा। तो आपने क्या करना है कि अपने मर्जी का जो भी कैंडिडेट होगा उसके आगे वाला बटन दबाना है और उसको पॉडकास्ट हो जाएगा। फिर जो वहाँ दूसरा जो मशीन होगी जिसको हम वीवीपैट बोलते हैं, ठीक है, वीवीपैट जो होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल मशीन बोलते हैं उसको हम, ठीक है। तो उस पर क्या होता है कि उसके अंदर जो है वो पर्ची आएगी, वो 7 सेकेंड तक आपको दिखेगी, आप उसमें देख सकते हैं कि जिस कैंडिडेट को आपने वोट डाला है उसी को डाला है या नहीं, उस पर क्लियर दिखेगा और वो पर्ची वहाँ वीवीपैट जो है उसमें 7 सेकेंड तक रहेगी। बस जैसे ही आपने उसका बटन दबाया तो वहाँ से भी आवाज़ निकलेगी और आपका वोट कास्ट हो जाएगा और वो पर्ची जो है उसमें आप शीशे में दिखेगी और दिखते ही वो उसमें 7 सेकेंड तक वहाँ रुकेगी और वहाँ से उस डब्बे में गिर जाएगी। बस इतना सा काम हुआ तो आपका वोट जो है वो कास्ट हो गया। तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, आपने किसी किस्म की कोई हेजिटेशन फील नहीं करनी है और जितने भी फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं आपने अपना वोट जो है उसका इस्तेमाल करना है और जो हमारी डेमोक्रेसी है यानी जो हमारी जमहूरियत है या जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें आपने हिस्सा उसका भागीदार बनना है। और गवर्नमेंट, यू नो इट वेरी वेल, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर डेमोक्रेसी। तो मानो गवर्नमेंट आप लोग ही बना रहे हैं और गवर्नमेंट होती ही लोगों की है। और इसमें सबसे मजेदार एक बात बता दूं मैं आप लोगों को कि वोट देना कितना जरूरी है। जैसे आपको पता है कि हमारे नासा ने दो साइंस हमारे वो स्पेस में वो भेजे हैं, एक हमारी सुनीता विलियम है और दूसरा क्या बोलते हैं उनको, पुच विलमोर जी हैं, उन क्रू मेंबर्स को उन्होंने स्पेस में भेजा है। और वहां क्या हुआ कि बोइंग का जो स्टार लाइनिंग स्पेस क्राफ्ट था उसमें कुछ खराबी आने की वजह से वो लोग वहीं स्ट्रक हो गए, वहीं फंस गए। वो 5 जून को गए थे और अभी उनको फरवरी में वापस आना है नेक्स्ट ईयर 2025। और हो क्या रहा है कि यूएसए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो 5 नवंबर को हो रही है। तो उन लोगों ने वहां से संदेश भेजा है कि हमारे बैलेट्स जो हैं उनको स्पेस में भेज दिया जाए और वहां से हम वोट कास्ट करके प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन है उसके लिए हम वहां से वोट देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हाउ मच कॉस्टली इज आवर वोट, हमारा वोट कितना कीमती है कि यहां से स्पेस में उन्होंने अपने लिए वो बैलेट मंगवाए हैं। और इट इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी, ये हमारी प्राइम ड्यूटी है कि हम हर एक बंदे का वोट कराए। कोई ऐसा बंदा जो है वो छुटराना चाहिए जो अपने वोट के हक का इस्तेमाल ना कर सके। हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जितनी भी हमारी अंडर द कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रामबन टीमें तैनात की हुई हैं, उन्होंने घर घर लोगों की वोटिंग करवाई, जो बुजुर्ग लोग थे जो जा नहीं सकते थे अपने घर छोड़ के किसी वजह से बीमार थे या जो भी था, तो इसी तरह से अपने वोट की कीमत समझते हुए आप लोगों के आगे निवेदन है कि आप 18 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक किसी भी समय अपना वोट कास्ट करने को अपने नज़दीकी पोलिंग स्टेशन पे आएं और अपने वोट का जो अधिकार है, अपने वोट की जो ताकत है उसका इस्तेमाल करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।